आप सभी लोगों का हमारे समाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग तो दिख रहे हो, अब गर्मी आ गई, समर आ गई, इसमें आप लोग लगाएंगे हमारे गर्मियों के फूल, वो भी देसी गुलाब। देसी गुलाब आप चाहे परचेज करके लाइए, अभी तो आपको इसलिए नहीं मिलेंगे, तो अभी कटिंग का टाइम है, कटिंग लगाई जा रही है सभी की। तो अगर आपको कहीं से भी कि कटिंग मिल जाए या लकड़ी मिल जाए कहीं से भी, वो अपने घर में लेके आइए। चाहे आपको मोटी मिले, चाहे इस साइज़ में मिल जाए, चाहे आपको इस साइज़ मिल जाए, इस तरह से मैंने ये कटिंग लगा रखी है। ये मैंने अपने फरवरी या मार्च का टाइम बहुत अच्छा होता है गुलाबों में कटिंग लगाने का, मैंने ये फरवरी में और सॉरी मैंने इसको आपके जनवरी के लास्ट वीक में लगा दिया था। मैंने इसको लगा के देखा कि देखती हूँ मेरी ग्रो अच्छे से होती है, बगैर हार्मोन्स के या बगैर किसी तरह की, मैंने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, सिर्फ नॉर्मली इसको सिंपल तरीके से लगाया है। इसको बहुत ईजी मैथड है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से मैं कटिंग लूँगी, मैंने आपको एक मेथड बता दे रही हूँ, इतनी बड़ी कटिंग होनी चाहिए। और इस तरह से मैंने लीव्स कर दी हैं, देखिए इसकी हटा दी सारी। और जब हम लीव्स हटाने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी तरह से सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने जो उसमें सॉइल यूज़ करती हूँ, मैं आपको बता दूँ 50% आपकी गार्डन मिट्टी हो गई, 10% आपकी रेत हो गई, 10% में मैंने खाद मिला दी है और नीम खली एंड राख, ये सब मिक्स करके जब मैं एक सारी मिट्टी बनाती हूँ उसी तरह के इसी में मैं सारे पेड़ अपने ग्रो करती हूँ। तो मैंने इसी तरह मैंने एक कप लिया था, देखिए इस तरह से कप ले लीजिए, ये कप, इसमें मैंने अपनी सारी मिट्टी डाल दी है। देखिए ये इस तरह से मैंने कप ले लिए, कप में मैं लगा देती हूँ कि बहुत इजीली निकल जाते हैं और कोई भी जड़ हमारी इधर उधर नहीं होती, इसलिए मैं मिट्टी से ज़्यादा कपों में यूज़ ज़्यादा करती हूँ। इससे ये पेड़ बहुत अच्छे से इसमें से निकल जाते हैं और हमें इसको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस आप, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इस तरह से आप लीजिए, मैं 100% गारंटी देती हूँ आपकी बहुत ईजी आपकी कटिंग लग जाएगी। और समय सबसे अच्छा होता है फरवरी मार्च का, अभी भी आप लगा सकते हैं, कुछ मत कीजिए, ऐसे लग कीजिए, बस आपको यही मेथड यूज करना है और आपकी कटिंग बहुत ही इजीली। देखिए मेरी कटिंग में फूल आ गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल आ गए हैं, देखिए कितने खूबसूरत फूल आ गए हैं इसमें, कितने खूबसूरत कलियाँ, देखिए कितनी सारी, एक दो दो, एक छोटे से पेड़, देखिए छोटी सी कटिंग में, देखिए ये देखिए इसमें एक कली, ये मेरी काफ़ी है मोटी हो गई, मैंने तभी ट्राई करके देखा है इसको, देखिए नीचे से रूट्स ऊपर की वैसी हो गई तो नीचे से निकल गया है। और देखिए इसमें देखिए फूल, छोटा सा देसी फूल खिला है, देखिए फूल खिल चुका है इसमें, ये मैंने जनवरी में लगा दी थी, देखिए जनवरी में, ये देखिए इस तरह से कितनी छोटी सी ब्रांच में, कभी कभी बिल्कुल पतली भी ब्रांच हम लोग लगाते हैं वो भी लग जाती है। और बस कुछ मत कीजिए आप, बहुत ईजी है, इसको इस तरह से लीजिए और ये बस हल्के हाथ से ऐसे अंदर इतनी आप ये, और ये साइड में है आप दबा दीजिए बस ये, और इसको ऐसी जगह रखिए छाया में या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, और हफ्ते दो हफ्ते में देखिए इसमें नई नई जड़ें आ जाएंगी, नए नए रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे और इसका वाटरिंग का तो उसकी नमी बनी रहे, इसमें मॉइस्चर बना रहा है, ये ध्यान रखिए, इसमें अगर मॉइस्चर बना रहेगा तो ये आपकी कटिंग बहुत ईजिली ग्रो होगी। और आप उसमें कुछ मत कीजिए, जब आपके रूट्स निकलने लगे तो आप इसको चेंज कर दीजिए। देखिए मैंने 2-3 दिन पहले ही इसको चेंज करके इसमें लगाया है, बहुत अच्छे से आपका ये ग्रो करेगा और गुलाब का पेड़ अगर पैसों के अपने घर में खूब सारे फूल ही फूल दिखेंगे। ये देखिए मेरी सारी कटिंग्स कितनी अच्छी है, देखिए फूल हैं इसमें भी, देखिए फूल आ गए हैं। यही मेथड यूज़ करना है, वैसे ये सीज़न अभी जनवरी एंड फरवरी मार्च तक का बहुत अच्छा कटिंग के लिए, और बरसात में आप बरसात में भी लगाइए, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा देसी गुलाब, बहुत सारे फूल आएंगे आपके गार्डन में और फूलों का मज़ा लीजिए। और फिर मैं इसमें अल्टरनेट वाटरिंग करूँगी, और ज़्यादा नमी रहेगी तो वाटरिंग नहीं कीजिए, और थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब वाटरिंग कीजिए। मैंने आज वाटरिंग देखी, जैसे मैंने सब गेली हैं, ये मेरी थोड़ी ड्राई हो रही है, इसको मैं बाद में कल करूँगी, थोड़ी सी और ड्राई हो जाए। इस तरह से कटिंग लगाइए, 100% आपकी कटिंग सक्सेस होगी। और ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, अब ये मेरे से मैं अपने लिप को फर्टिलाइजर देना शुरू कर दूँगी, अब तो इनमें फ्लावरिंग बड़ी होंगी, ग्रोथ इनकी अच्छी होगी, फूल भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। इसके लिए कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है। धन्यवाद।